हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है समायरा नरूला एंड फैमिली। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन का बटन ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि समायरा का बर्थडे आने वाला है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए समायरा का बर्थडे कब है। अगर नहीं पता है तो गेस करिए, अदरवाइज हम आपको बता देंगे कि समायरा का बर्थडे कब है। आज है 1 सितंबर और सितंबर में ही समायरा का बर्थडे है। हमने प्लान किया है इस बार कि जब तक बर्थडे नहीं आता है तब तक हम डेली समायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जिससे आपको भी मज़ा आएगा और समायरा भी खुश होगी। तो आप हमारे व्लॉग्स को डेली बेसिस पे देखते रहना कि हम क्या समायरा के लिए स्पेशल करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं बाहर उसके लिए 1 सितंबर के लिए गिफ्ट्स लेने और फिर हम मिलके करेंगे सेलिब्रेट। तो देखते हैं कि आज हम क्या गिफ्ट्स परचेज करते हैं। तो चलो चलते हैं और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। ट्रॉली हमने ले ली है और इसके अंदर है हमारी लिस्ट। इस लिस्ट में हमने बहुत कुछ लिखा है समायरा के लिए जो आज हम परचेज करेंगे। और क्या लिखा है, आज हम सपना पे आए हैं, यहाँ पे है सारी स्टेशनरी आइटम्स, गिफ्ट सब कुछ है, लेकिन आज हम करेंगे A to Z स्टेशनरी शॉपिंग समायरा के बर्थडे के लिए। मतलब कि जैसे आपको हमने बताया था कि पूरे 7-8 डेज समायरा का बर्थडे चलेगा, तो आज है 1st डे। तो चलो स्टार्ट करते हैं A to Z स्टेशनरी शॉपिंग। पेंसिल्स मायरा के फेवरेट ब्रांड की यहाँ पे हैं, बहुत सारी हैं। हम देखते हैं कौन सी हमें पसंद आती है। पावर गई गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह की शॉपिंग करके। A to Z स्टेशनरी आइटम्स हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ए से क्या है, बी से क्या है, अभी हम आए हैं एफ कलेक्शन में और देखते हैं एफ में क्या हमें मिलता है। कुछ हमने ले लिया है, मतलब A to E हमने परचेज कर लिया है, आपको घर जाकर दिखाएंगे। फाइनली स्टेशनरी शॉपिंग हो गई है। बड़ी मुश्किल से हमने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग स्टेशनरी ढूंढी और कुछ कुछ तो ऐसी थी कि हमें मिली नहीं जो हमने सोची थी और उसका हमने रिप्लेसमेंट किया उस वर्ड को लेके। तो आपको घर जाकर हम बताएंगे पूरी स्टोरी हमारे साथ क्या क्या हुई। अभी हम जा रहे हैं बिलिंग काउंटर की तरफ, बिल करवाते हैं, देखते हैं कितना बिल बनता है इसका। बहुत कम बिल आया है हमारा, पहले दिन 2000 से कम खर्चा हुआ है हमारा। ये हमारा बिल है, टोटल बिल आपको बता देते हैं, 1600 समथिंग बिल है। अभी हम जा रहे हैं घर पे और फिर खाना वाना खा के समायरा को स्कूल से पिक करेंगे और फिर जब समायरा स्कूल से आ जाएगी तो फिर रेडी होकर हम आपसे मिलेंगे और मिलके सेलिब्रेट करेंगे समायरा का 1st डे ऑफ सितंबर का बर्थडे। और साथ में करेंगे ये पूरा स्टेशनरी कलेक्शन जो हमने परचेज किया है उसका अनबॉक्सिंग। तो आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। शाम हो चुकी है और समायरा यहाँ पे मेरे पास बैठी हुई है। शी इज सो एक्साइटेड टू सेलिब्रेट हर 1st डे ऑफ वीक। क्यों खुशी हो रही इतनी? क्योंकि मेरे को गिफ्ट मिलेंगे डेली। हाँ, मैंने इसको बताया जब ये स्कूल से घर आई कि समायरा आपके लिए एक सरप्राइज है कि हमने प्लान किया है कि आपका बर्थडे वीक सेलिब्रेट करेंगे हम। तो ये बहुत खुश हो गई, खाना भी अच्छे से नहीं खाया, इतनी खुशी गिफ्ट की हो गई थी। तो सबसे पहले हम करेंगे केक कटिंग और उसके बाद समायरा को आज का गिफ्ट हम देंगे जो हम सब मिलकर लेने गए थे। समायरा के सामने रिवील हो जाएगा आज का गिफ्ट। यूट्यूब फैमिली हमारे साथ गई थी, पता आपको? नहीं। उन्होंने देखा है हमने आपके लिए क्या परचेज किया है। तो जब मैंने इसको बताया कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं तो इसने पूछा प्लीज बता दो। तो मैंने बोला नहीं, हम आपको गिफ्ट जब देंगे तो आप उसके अनबॉक्सिंग करना। और YouTube फैमिली ने कुछ कुछ गिफ्ट्स आपके देखे थे, कुछ कुछ नहीं देखे थे, तो वो भी आप दिखाना अपनी फैमिली को। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं केक कटिंग। तो ये है हमारा आज का केक जिसको समायरा करेगी कट। क्या हो गया? आपने तो बोला था कि मैं केक लेकर आई हूँ और ये तो मफिन है। अरे ये कपकेक है, ये तो मफिन है। गाइस, ये कपकेक है या मफिन है प्लीज कमेंट्स में बताइए, ठीक है? हमने तो भैया को बोला था कि कपकेक दे दो तो उन्होंने ये दे दिया हमें। अब हमें नहीं पता ये मफिन है या कपकेक है क्योंकि बर्थडे वीक सेलिब्रेट करना है तो इतने बड़े बड़े केक हम लेकर आएंगे, उसको कौन खाएगा, वेस्ट हो जाएंगे।
तो फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये इतना सा तो हम तीनों खा सकते हैं, मतलब आप भी खा सकते हो हमारे साथ, वेस्ट नहीं होगा। तो जब स्मायरा का बर्थडे आएगा तब हम बड़े वाला केक ऑर्डर करेंगे, आपको खिलाएंगे, स्मायरा के फ्रेंड्स खाएंगे और हम खाएंगे। तब तक हम इन्हीं छोटे छोटे केक्स के साथ मैनेज करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम मफिन लेके आएंगे। ठीक है, ओके। तो 1 सितंबर की फर्स्ट कैंडल, वो भी पिंक कलर की। हाँ, स्मायरा का फेवरेट कलर पिंक। हैप्पी 1 सितंबर। हैप्पी फर्स्ट सितंबर टू यू। हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ योर बर्थडे वीक। चलो स्मायरा, कैंडल बुझा दो। Seven days. तो आपको पता चल गया होगा कि स्मायरा का बर्थडे कब है, बता दे क्या? Yes. बता दो। 8 सितंबर। Yes. तो सितंबर 8 को है स्मायरा का बर्थडे और 8 सितंबर को स्मायरा हो जाएगी 8 इयर्स की। तो चलो अभी हम करते हैं मफिन कट। करो। Happy birthday to you. Happy in advance. Happy 7 days to go. Happy 7 days to go. Help करूँ क्या? करो। अंदर ही फंस जाएगा ये तेरा मॉफिन। ये लो पहले YouTube फैमिली को खिलाओ। Yes. Guys, daily आपको भी केक्स खाने को मिलेंगे, variety of cakes. मम्मा प्रैंक कर रही है आपके साथ। अभी तो बहुत सारे प्रैंक्स इसके साथ होने वाले हैं गाइस, स्टे ट्यून्ड। और कोई भी व्लॉग हमारा मिस मत करना। 8 सितंबर को बर्थडे है, आज है फर्स्ट, तो आप सोच सकते हैं कि 8 व्लॉग्स मायरा के चैनल पर आएंगे, हमारे फैमिली चैनल पर आएंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हम स्मायरा के साथ ऐसा ऐसा प्रैंक करने वाले हैं ना, ये हैरान परेशान हो जाएगी क्योंकि एवरी टाइम ये प्रैंक करती रहती है। अब मिला है हमें मौका इसके साथ प्रैंक करने का, लेकिन आज हम इसको छोड़ देंगे, आज फर्स्ट डे है, कहीं ये बच्ची घबरा ना जाए। तो आज हम प्यार से डील करेंगे इसको, कल से प्रैंक स्टार्ट हो जाएंगे। ओके ओके गाइस, अब मेरा गिफ्ट गिफ्ट भी देते हैं, केक तो खिलाया ही नहीं मुझे। थैंक यू, वेलकम। तो अभी हम स्मायरा के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, मतलब जहाँ पे हमने छिपा के रखे हुए थे वहां से लेकर आते हैं। मैं भी चलूंगा आपके। नहीं नहीं आप बैठो यहाँ पे। तो ये है स्मायरा का आज का गिफ्ट। गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट्स हैं। ये देखिए कितने सारे गिफ्ट्स। पहले दिन ही लॉटरी लग गई है इसकी, तो आगे आगे देखो होता है क्या। Yes. तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितने गिफ्ट्स हैं, फिर हम करेंगे अनबॉक्सिंग। Oh my God. स्मायरा की एक्सप्रेशन देखिए, हैरान परेशान हो गई, इतने तो मेरे फ्रेंड्स भी ना दें। है स्मायरा? Yes. देखो कितने सारे गिफ्ट्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। Wow. मजा आ रहा देखने में? Yes. A to Z स्टेशनरी। Oh my God. अभी अल्फाबेट्स काउंट करेगी। ओके, वेट 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 वेट, अब रुक जा, ओपन करेंगे तब पता चल जाएगा। लगता है 26 ही है। हाँ, 26 है, क्योंकि जो A to Z स्टेशनरी वैसे होती है, वो होती है कि स्टेशनरी में जो भी आता है वो सब कुछ को बोलते हैं A to Z, लेकिन हमने क्या किया है, हमने A to Z अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग स्टेशनरी वहां से ढूंढी और स्मायरा के लिए परचेज की। ये! तो सबसे पहला अल्फाबेट ए। तो हमने देखिए इसके ऊपर हमने टैग भी लगाया है कि कौन सा अल्फाबेट का गिफ्ट इसके अंदर है, मतलब कि स्टेशनरी है, ताकि हमें भी पता नहीं चल रहा था कि किसके अंदर क्या है, हम इतना कंफ्यूज हो गए थे, तो हमने यहाँ पे टैग लगा दिए हैं। तो ए वाला हम ढूंढते हैं सबसे पहले, ए वाला
ये तो एस है, एस एस पर लिखने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तो ये है ए हमारा। ओके ओके, तो आप ए ओपन करो। और कुछ कुछ स्टेशनरी ऐसी है स्मायरा ने कभी देखी भी नहीं होगी। अप्सरा की पेंसिल। अप्सरा ए फॉर अप्सरा पेंसिल। और साथ में इरेजर भी है। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया है उन्होंने, वो बोलते हैं ये हमारी तरफ से स्मायरा को। तो ए से एब्सोल्यूट अप्सरा पेंसिल्स। ओके, टू बॉक्सेस हमने परचेज कर लिए। yes. कि बोलेगी कि एक ही बॉक्स लेकर आए, मेरे तो जल्दी खत्म हो जाती है पेंसिल्स। ओके, सो नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा आता है बी। बी, बी फॉर बॉय। बी, इसमें देखो क्या है, इसमें से एक पेंसिल ही लग रही है। हाँ, ओपन करो और देखो। ओपन करो, देखो देखो क्या है। पेंट ब्रश। बी फॉर ब्रश। ब्रश। हमने अपने अकॉर्डिंग परचेज किया गाइस, ब्रश। yes. पी से ये बोलेगी पेंट ब्रश, तो वो तो फिर पी हो गया। पी हो गया। yes. तो हम इसको अपने तरीके से बताएंगे, दिस इज अ ब्रश। उसके बाद सी ओपन। ये तो अप्सरा आ गया, इसे गलत आ गया, ये तो गलत आ गया। इसके एक्सप्रेशन वैसे ही है। चौक। चौक। सी से चौक। और ये है करेक्ट एक्स। करेक्ट, कि जब आप पेन से कुछ लिखते हो ना, तो आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो वो इरेज नहीं कर सकते आप, तो ये होता है उसको इरेज करने के लिए। इसको कहते हैं व्हाइटनर। व्हाइटनर, यस, व्हाइटनर और करेक्टर। हम इसको बोलते थे फ्लूड। फ्लूड, यस। बट सी फॉर चौक। सी फॉर करेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज डी। डी से हम क्या लाए थे? डी से इस पे है क्या? ये तो के है। डी, ये रहा डी। मेरा ओपन इट। ड्राइंग बुक। डी से ड्राइंग। आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है ना? yes. तो हम आपके लिए ड्राइंग बुक लेकर आ गए। अब आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, पेंट ब्रश से। यस, पेंटिंग कर सकते हो। नॉट पेंट ब्रश से, ब्रश से, ब्रश से। उसके बाद डी ओपन हुआ है ना हमारा। yes. उसके बाद ई। ई से दो है, दो, दो जैसे सी से दो निकले हैं। पहले हम एक एक ही परचेज करने वाले थे, फिर हमें एक और मिल गया, तो हमने फिर दो दो परचेज कर लिए। पहले हम, हाँ, ये नई चीज है आपके लिए। पेन। ई से पेन कौन सा होता है, आपने पूछा नहीं। पेन तो पी से होता है, लेकिन ये है इरेजेबल पेन। इसको हम अभी टेस्ट करके दिखाएंगे ये कैसे इरेजेबल है। ये देखिए स्मायरा, आप भी देखो, मैंने लिखा सैम। ओके, इसको अब कैसे इरेज करेंगे, इसके पीछे इरेजर है। वाओ। चीज लेकर आए। और मैंने कुछ कुछ चीजें आपने कभी देखी नहीं होंगी। yes. अच्छी चीज है ना गाइस। यस, yes. मैंने भी पहली बार देखी वहां पे, और फिर हमने परचेज कर ली स्मायरा के लिए। तो दिस इज इरेजेबल पेन। इसे एक और भी था ना कुछ। yes, ये रहा। हाँ, ये क्या है देखो, अभी मुझे याद आया क्या था इसमें। देखो गाइस, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज वाले इरेजर्स। अच्छे है ना, क्यूट है ना। यस, अच्छे लगे आपको? यस, बहुत अच्छे। ओके, तो ई के बाद एफ। एफ, एफ कहाँ है, ये रहा एफ। दिस इज अ एफ। एफ ओपन करो। फाइल। नोट फाइल। फोल्डर। फोल्डर। एफ से फोल्डर। Yes. Okay, not file. ये अल्फाबेट्स रॉन्ग मत कर देना गाइस। अच्छा, सारे गिफ्ट्स इसमें रख रहे हो? यस। ओके ओके, एफ के बाद जी। जी जी, ये लो जी। क्या लेकर आए हो?
जिसे ग्लू देखो गाइस अच्छी है ना ग्लू बंद करने के लिए जी के बाद एच ये रहा एच कितनी अच्छी पैकिंग करके लाए ना करके नहीं लाए करी है हमने घर पे yes. हाँ वो बोलते इतने गिफ्ट हम तो पैक नहीं करते सपना? पेपर लेकर आए हम बोला कि पेपर दो फिर हम घर पे कर लेंगे फिर मैंने पापा ने एक घंटा लगा के इसको पैक किया देखो कितना काम कर रहे हैं हम आपके लिए देखते हैं हमें क्या रिटर्न गिफ्ट मिलता है गाइस सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा सरप्राइज मत हो करो अपनी नानी दादी से प्लान रिटर्न गिफ्ट का क्या ये इसको हम क्या बोलते थे हाँ क्या वो बोलते थे पेंसिल रखते थे उसके अंदर हाँ क्या बोलते थे पेंसिल बॉक्स बोलते थे नो दिस इज अ होल्डर यस होल्डर एच से एक और भी है ये रहा यही था ना इसके ऊपर अटैच इसमें क्या हो सकता है बताओ एच से जल्दी मैंने ओपन कर दिया हाइलाइटर हाँ देख लिया इसने एच से हाइलाइटर वो भी फेवर उसके बाद आई फॉर इंक हमने आई आई फॉर इंक ही पढ़ा हुआ है इसने भी आई फॉर इंक ही पढ़ा है ये है क्या सच में इंक है मार्कर के लिए इंक yes, जब आपका मार्कर खत्म हो जाएगा तो आप मार्कर को खोलो और मार्कर के अंदर डाल दो मार्कर खत्म हो जाएगा फिर मार्कर का इंक खत्म हो जाएगा मार्कर का इंक जब खत्म हो जाएगा कंफ्यूज हो रही है हाँ। गिफ्ट से सही बात है और आई के बाद जे 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 फॉर जग ठीक है आपने क्या पढ़ा है जे फॉर जग ही पड़ा है पड़ा है ओके ये देखो फिर क्या है छोटा सा जे फोर ये है जे फोर जेलीज खाने वाली जेलीज नहीं है बट ये इरेजर है ओह माय गॉड जेलीज इरेजर अच्छा है ना हमने पैकेट को फोल्ड कर दिया तो मेरे को लगा ये खाने वाली जेलीज ओके जे के बाद के के फॉर काइट क्या है कन्नड़ा के फॉर कन्नड़ा कन्नड़ा बुक कन्नड़ा की राइटिंग बुक ली है हमने स्मायरा के लिए स्टैंडर्ड की नो ये सवाल हमने भी उनसे किया था ये तो सिक्स स्टैंडर्ड के लिए वो बोलते कि नहीं ये राइटिंग बुक है इसको कोई भी लिख सकता है yes. ये प्रैक्टिस बुक है कि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो और आपकी वर्ड्स की फॉर्मेशन अच्छे से हो तो ये स्मायरा के लिए कनाडा बुक हमने परचेज की है ओके okay. के बाद एल से लैपटॉप जो कि स्मायरा का पुराना है क्योंकि वहां पे भी हमें एल से लैपटॉप ही दिखा था लेकिन हमने परचेज क्यों नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी स्मायरा के पास था तो सेम हो जाता इसीलिए हमने एल के पैसे सेव कर लिए कि इसको 2 सितंबर के लिए गिफ्ट ले देंगे तो ये आपका एल से लैपटॉप ओके इसके बाद एम दिस इज एम ओपन करो मार्कर अरे पता है इसको देख लो मैंने बोला था ना स्टेशनरी बहुत परचेस करती है ये लेकिन एम के बाद के जो अल्फाबेट है ना वो गैस नहीं कर पाएगी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो कॉम्प्लिकेटेड कौन से कॉम्प्लिकेटेड है आपको पता चल जाएगा आप पूछोगे ये क्या है ये मैंने कभी देखा नहीं है जब आगे आगे अल्फाबेट स्पेंडिंग जो है ओपन होंगे ना ब्लू मार्कर नो दिस इज मार्कर एम फॉर मार्कर ओके एम फॉर मार्कर नॉट ब्लू उसके बाद एन कहाँ है हमारा ये रहा एन
and say notebook. अब बोलेगी हिंदी की नोटबुक एच से बट दिस इज नोटबुक ओके आफ्टर दैट ओ ओ से ऑयल पेस्टल यस पेस्टल पी पी कहाँ है हाँ अपने आप ही ढूंढ लिया अब थोड़े से रह गए हैं पी से तेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा सुमायरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा पी से हम क्या लेकर आए हैं क्या होता है और भी इसके अंदर देखो क्या है ये रहा बाहर बाहर पहले वो देखो क्या है ओके क्या है अब पेन को इसके अंदर डालो और उसको हम मिक्स कर सकते हाँ तो इसको बोलते क्या है पैलेट प्लेट प्लेट हमारी भाषा में प्लेट है ना और ये ओपन करो पेंट हाँ ये ऑब्वियसली पेंट ही होगा पर्पल एंड ब्लैक क्योंकि ब्लैक इसके स्कूल का जो पेंट बॉक्स था उसमें ब्लैक कलर फिनिश हो गया था और सेकंड मुझे पर्पल कलर अच्छा लगा इसलिए हमने ये दोनों परचेज कर लिए थैंक यू ओके अच्छा अभी ये ओपन करो क्यू से तो फिर से नोटबुक है ये नोटबुक नहीं है मम्मा बताओ ये क्या है गाइस पहले आप बताइए इसको क्या बोलते हैं आपने कभी ये देखी है डायरी डायरी नहीं है ये डायरी ऐसे होती है डायरी डी से होती है क्यू से है ये यहाँ पे ढूंढो क्यू से कुछ लिखा हुआ है क्वालिटी हाँ क्वालिटी तो ये है क्वाडाइल नोटबुक जब आप हाई स्टैंडर्ड में हो जाओगे ना तब आपके मैथ्स में यूज होगा ये नोटबुक इतना छोटा नंबर लिखेंगे हाँ इसमें ग्राफ्स बनाते हैं ग्राफ्स हाँ, yes. आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब आप 7th 8th स्टैंडर्ड में हो जाओगे ना तब आपके काम आएगा तब तक आप इसको संभाल के रखो आर आर से क्या हुआ डंडा डंडा नहीं होता है स्टिक इसमें हो सकता है ऐसे से होती है स्टिक आर से नहीं होती इधर दो नोट स्केल रूलर लिखा भी हुआ ऊपर देखो स्केल रूलर पहले मैंने भी जब उठाया ना वहां से तो मैंने बोला ये स्केल ऐसे से स्केल ले लेते हैं फिर मुझे याद है ना इसको रूलर भी बोलते हैं तो इसको आर में रखते हैं एस में तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं यस चाहिए था ना आपको यस बिग रूलर यस है ना ओके तो अभी हम बढ़ते हैं एस की तरफ एस As for Samira, इसमें भी कुछ यूनिक चीज है आपके लिए पहले ये ओपन करोगे ये करोगे ये करो ये है B4 बस ये है बस शार्पनर yes. तो एस फोर शार्पनर ओपन करके दिखाओ अपनी YouTube फैमिली को इधर से गन्ने का जूस निकलेगा कचरा कहाँ से आएगा कचरा यहाँ पे आएगा यस गन्ने का कचरा यहाँ पे आएगा गन्ना यहाँ पे फिक्स करना है कहाँ गया यहाँ पर हाँ यहाँ पे गन्ना फिक्स करना है फिर ऐसे से घुमाना है और यहाँ पे कचरा आएगा और इधर से जूस आएगा अच्छा है ना ब्लू कलर Yes. पसंद आया आपको यस ओके अभी एस से एक और आइटम पेंडिंग है यही था हाँ एस से क्या हुआ कुछ नहीं ये आपके लिए नई चीज है क्या है ये बताओ कभी देखा है आपने इसको नहीं। ये है स्टैम्प्स स्टैम्प्स हाँ बताऊं कैसे कैसे ये देखिए ये बॉटल है इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है यानी कि हैंड बना हुआ है इसके ऊपर अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर रेड कलर का हैंड है आप अपना हैंड दो
वो हम बिलिंग करवाते हैं तो वो बाद में बिल चेक करते हैं, स्टैंप लगाते हैं ना। अच्छा है ना। तो आप अपनी नोटबुक पे कर सकते हो इसको, डिजाइनिंग बना सकते हो। ओके एक और ट्राई करें हम। यस कौन सा करें? ये फ्लावर वाला। ये वाला, ये म्यूजिक वाला। म्यूजिक वाला नोटबुक पे लगाओ। हाँ नोटबुक पे लगाते हैं। नई वाली नोटबुक दे दो। कौन सी वाली? कोई भी दे दो। ये वाली दे दो। नहीं इस पे म्यूजिक बना हुआ है गाइस, देखिए। ये तो संभाल के रखनी है हमने। हाँ इसको गंदा कर लो। इस पे दिखेगा नहीं तुम्हारा। दूसरी दो, ये वाली दे दो ना। ये हाँ इस पे करते हैं, यहाँ पर कर दो। म्यूजिक बजे गाना, स्मायरा नाचेगी। स्माइली। नाइस ना। डू यू लाइक इट? रेड कलर ही है क्या सबके? हमने तो एक ही टेस्ट किया था वहाँ पे, वो भी जब हम बिल करवाने जा रहे थे ना, हमने ऐसे यही शार्पनर ही लिया था जब हम बिलिंग के लिए जा रहे थे, तो हमें वहाँ पे ये दिखा, तो पापा बोलते स्माइरा के लिए ले लेते हैं। तो फिर वहाँ पे जो आंटी थे उन्होंने हमें टेस्ट करके बताया था, ये स्टार बताया था उन्होंने, है ना। यस ओके। एस के बाद टी, ये लो टी। टी से टेप। दिखाओ यूट्यूब फैमिली को, दिखाओ दिखाओ टेप कितनी बड़ी लाए आपके लिए। क्योंकि बर्थडे डेकोरेशन करेंगे ना, तब काम आएगी हमें। सही बात है, ये हम अपने लिए लाए। यू उसके बाद आता है। यू, यू से क्या है? यूएसबी। यस क्योंकि स्मायरा के नोट्स आते हैं हमारे फोन में, और फोन में डाटा ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हमने स्मायरा के लिए यूएसबी ली है कि मैं अपने फोन को खाली करके इसमें डाल दूंगी और फिर अपने फोन में खींचूंगी सेल्फीज। ओके अब है वी। हाँ वी से भी आपके लिए नई चीज है। दो इधर। क्या ये पेन? पी फॉर पेन। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको वी वाला इसमें? इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये तो ग्रे है। पेंसिल तो वो भी पी से हुई। नहीं समझ आया बताओ? अरे वॉलेट पेन। वॉलेट कलर नहीं होता, वॉलेट कलर yes. वो कलर का पेन ना, ये देखो। Oh my God. अच्छा है ना? Yes. 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 अब समझ आ गया इसको। W. पेंटिंग कलर है और ब्रश है, ब्रश। हाँ तो इसको बोलते क्या? W से क्या बोलेंगे इसको? मैंने तो W लिखा था इसके ऊपर। हेलो आर यू फाइन? कंफ्यूज हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ इसको क्या बोलेंगे हम? ये कंफ्यूज हो रही है। हेलो क्या बोलेंगे इसको? वॉटर कलर। कॉम्प्लिकेटेड लेकर आए, मजा आ रहा है कि नहीं? ये बताओ जरा, है ना कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है? वॉटर कलर से बोलते हैं ना इसको। यस फिर कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से हो गया ये? डब्ल्यू उसके बाद X से स्टेशनरी ढूंढना। ओ माय गॉड 20 मिनट्स हमें लग गए, ना तो हमारे माइंड में कुछ आ रहा था और ना ही वहां पे जो स्टाफ था वो हमें बता रहे थे, और जो भी स्टेशनरी हमने परचेज की है उन्होंने कुछ भी हमें गाइड नहीं किया, हम अपने आप ढूंढते रहे वहां पे। जो हमें मिला हम लेकर आ गए, कुछ हमने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट के अकॉर्डिंग लिया, कुछ हम सोच सोच के, जैसे कि क्या था यहाँ पे, ये वॉयलेट पेन, तो वो है तो पेन, लेकिन फिर हमने उसको वी से वॉयलेट कलर में कन्वर्ट किया तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, और एक्स से तो वैसे भी कोई स्टेशनरी मुझे लगता नहीं है होगी। अगर आपके माइंड में कुछ एक्स से स्टेशनरी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, फिर नेक्स्ट जब भी हम ऐसा कोई प्लान करते हैं स्टेशनरी का तो फिर हम वो परचेज करेंगे। फिलहाल मैं एक्स के लिए लेकर आई हूँ जीरोक्स। क्योंकि स्मायरा के आ रहे हैं एग्जाम्स और स्टडी तो करनी पड़ेगी,
बर्थडे के 1 वीक के बाद मायरा की एग्जाम है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो जो जो पोर्शंस इसके एग्जाम में आएंगे तो उसका हमने ले लिया है जीरोक्स। बर्थडे के बाद मायरा बैठेगी बुक्स लेके पढ़ाई करने, तब तक ये कर ले अपना ढेर सारा एंजॉय। ओके अभी इसके बाद आता है वाई, वाई से येलो चॉक। वाई से भी हमें कुछ नहीं मिला गाइस, तो हमने ले लिया चार्ट, क्योंकि डेली इसकी एक्टिविटीज आती हैं स्कूल की, तो मैम डायरी नोट लिख कर भेजती हैं, मेक अ चार्ट ऑफ दिस, मेक अ चार्ट ऑफ दैट, तो फिर हमने येलो चार्ट ले लिया। एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज तो इस पे हो जाएंगी। ओके एंड लास्ट अल्फाबेट इज जेड, ओपन करो। एक और भी था ना जेड, जेड क्या एक और था, ये था बस, बस हो गया खत्म सारा कचरा रह गया है मेरे लिए सफाई करने के लिए। क्या है ये आप बताओ क्या है ये फाइल, जेड से फाइल कौन सी होती है? वही तो ये पता है क्या है, ये फाइल नहीं है, ये फोल्डर नहीं है, ये है जिप लॉक फाइल। जेड से जिप लॉक, ये देखो आपके जिप... इतने सारे नोट्स आते हैं स्कूल से। हाँ ये जीरोक्स जो हम लेकर आए हैं, फिर इसके एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन मैं करवाऊंगी इसको शीट्स पे, वो इसके अंदर हम सेव करके रखेंगे और इसको लगा देंगे जिप, ताकि ये गुम ना हो। क्वेश्चन पेपर भी, हाँ क्वेश्चन पेपर भी जो ये लेकर आएगी स्कूल से, इसमें हम डाल के रख देंगे सेव करके और जिप बंद कर देंगे। तो कैसे लगे आज के गिफ्ट्स? बहुत अच्छे यूनिक चीजें जो कभी देखी नहीं है, है ना? Yes. मजा आया ना? She is still confused. हाँ अभी भी इसको ना अंदर से कुछ हो रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतने सारे गिफ्ट्स मुझे मिल जाएंगे पहले दिन ही। तो अभी तो स्माइरा फर्स्ट डे था आज, आगे आगे क्या होगा देखते जाना फिर। लॉटरी लगेगी इसकी, ये तो कल पता चलेगा लॉटरी लगती है तेरी या हमारी। अच्छा कैसे क्या, कल देखेंगे। यस चलो ठीक है ना। तो गाइस कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग, फर्स्ट डे ऑफ वीक, और स्मायरा के गिफ्ट्स कैसे लगे? होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। और आपका एक कमेंट भी था हमारे Q&A के लिए कि स्मायरा के लिए स्टेशनरी की शॉपिंग करो, तो हमारी शॉपिंग भी हो गई, हमारा फर्स्ट डे ऑफ वीक सेलिब्रेट भी हो गया और स्मायरा खुश भी हो गई। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। हमारे Q&A व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और आज जो हमने सेलिब्रेट किया है ये सब, इसका व्लॉग पोस्ट होगा 2 सितंबर को, क्योंकि अभी हमें एडिटिंग्स करनी है, तो एक एक दिन के गैप के बाद व्लॉग्स आएंगे, फर्स्ट का सेकंड को, सेकंड का थर्ड को। तो आप व्लॉग्स को एंजॉय करते रहना। और सेकंड डे के लिए स्मायरा के लिए कोई गिफ्ट सजेस्ट कर सकते हो आप हमें? अभी हमें कल जाना है परचेज करने और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या परचेज करें, तो आप कमेंट्स में हमें सजेशन दीजिए कि हम क्या लेकर आए। और अगर कल हम सुबह जाते हैं तब तक हमारा व्लॉग पोस्ट नहीं होता है, बाद में होता है, तो आप थर्ड डे के लिए कर सकते हैं हमें सजेस्ट, फोर्थ के लिए कर सकते हैं। पूरा वीक पड़ा है आपके पास, आप कुछ ना कुछ लिखिए ताकि हम ट्राई करें उस गिफ्ट को यहाँ से ढूंढने का और स्मायरा के लिए परचेज करने का। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और फिर जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, मतलब कि 2 सितंबर के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।